हाथ में बनाना बता रही हूँ स्लीव डिज़ाइन। तो यहाँ हम स्लीव्स को कुछ अलग तरीके से बनाएंगे, तो इसका बॉर्डर का जो यूज़ है हम कुछ अलग तरीके से करेंगे। तो इसको हम सेंटर में करके लगाएंगे, तो जिससे ये हमारा और ज़्यादा खूबसूरत रहेगा। इसको फिर हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास आस्तीन का कपड़ा है, तो यहाँ हमने इसको डबल किया हुआ है। अब इसको एक दफ़ा और डबल फोल्ड करूँगी मैं। तो इस तरह यहाँ आस्तीन की चौड़ाई हमारे पास 8 इंच है, और यहाँ पर लंबाई बढ़ाने के लिए हमें इसमें यहाँ पर बॉर्डर लगाना होगा आगे। आस्तीन की कटिंग हम सिंपल ही करेंगे, जो सिंपल आस्तीन होती है। तो यहाँ से देखिए 4 इंच पे इस तरह निशान लगाऊंगी और बॉर्डर में कुछ अलग तरीके से लगाऊंगी। यही हमारी आस्तीन की डिज़ाइनिंग है इसकी। तो यहाँ से इसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मैं इन जोड़ों को कवर करने के लिए यहाँ सेंटर जॉइंट लेस का इस्तेमाल करूँगी। तो एक साइड पे मैं ये वाली लेस लगाऊंगी और एक साइड पे ये वाली लेस लगाऊंगी। तो यहाँ जिस तरह हमारे इसमें शेड आ रहे हैं लाइट और डार्क, तो दोनों हमने यहाँ पे इसी तरह ये वाली बेलें यूज़ करी हैं, और आगे हम यहाँ पे ये वाली बेल को यूज़ करेंगे। तो यहाँ आस्तीन के सीधे साइड पर इस तरह ये सिलाई लगा के हम इसको अटैच कर लेते हैं। देखिए सिलाई के साथ मैंने लगा लिए। अब यहाँ पे हमें दूसरी तरफ ये बॉर्डर वाली पट्टी जो है ये हमें इस तरह सेंटर में लगा लेनी है। तो ये भी हम इस तरह से रख के लगा लेंगे। देखिए हमने ये वाली एक दफ़ा सीढ़ी लेस लगाई है, और अब यहाँ पे हम ये वाली लेस को रख के लगाएंगे। तो इसको भी हम सेंटर जॉइन ही बना देंगे। तो यहाँ देखें हमने इस तरह से ये वाली भी लेस लगा ली है, और अब ये जो हमने इसे यहाँ से पट्टी कट करके निकाली थी, इस पट्टी को हम वापस से इसके साथ लगा लेंगे। तो यहाँ पे इसको भी सिलाई के साथ लगा लेती हूँ। यहाँ देखिए हमने ये दोनों लेसें लगा ली हैं। अब यहाँ पे इसको इसका जो ये कपड़ा है हम यहाँ पीछे की तरफ कर देंगे, और यहाँ टॉप की सिलाई लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, और ये पहनने के बाद इसकी सिलाई जो है बिल्कुल भी नज़र ना आए। तो यहाँ देखिए मैंने दोनों लेसों को लगा लिया है, और इसकी टॉप की सिलाई भी लगा ली है ताकि ये अच्छे से जम जाए। अब यहाँ पे हम इसको डबल करेंगे, और डबल करके इसकी साइड की हम यहाँ कटिंग करेंगे। तो जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको यहाँ से हम कटिंग करके निकाल लेंगे। यहाँ से मैं रखूँगी इसको 6 इंच, 6 इंच पे इस तरह निशान लगाएंगे। यहाँ पे इस निशान को इससे मिला लेंगे इस तरह से करके। तो जो भी एक्स्ट्रा होगा, जो यहाँ पे बेल नहीं आई है, वो भी हमारा कवर हो जाएगा इसमें। तो यहाँ कटिंग कर लेने के बाद अब यहाँ पे इसको हम बारीक सा इस तरह से दबा देंगे। एक दफ़ा हमने इसको फोल्ड कर लिया है। ये वाली जो लेस है हम इसको यहाँ पे इस तरह से रख के लगाएंगे। तो इसको भी यहाँ पहले सिलाई से लगा लेते हैं। तो यहाँ देखें कपड़ा ये सीधा है, और ये बेल जो है सीधे कपड़े से सीधे को टच कर रही है। ये उल्टा साइड बेल का हमने अपनी तरफ रखा है। देखिए एक दफ़ा सिलाई के साथ मैंने इसको लगा लिया है। अब मैं इसको इस तरह से करूँगी तो बेल हमारी बाहर आ जाएगी, कपड़ा अंदर की तरफ चला जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है इस पर।
तो यहाँ देखें इस तरह से मैंने ये वाली लेस भी अटैच कर ली है इसके साथ। और अब यहाँ से हम इस तरह डबल करेंगे, यहाँ इस तरह हम डबल करेंगे और इसकी साइड की फिटिंग भी कर लेंगे। तो यहाँ साइड की फिटिंग अपने साइज़ के हिसाब से कर लें आप। इसके साइड की भी मैंने फिटिंग कर लिया, मैं इसको सीधा करके दिखाती हूँ। तो यहाँ मैं इसको अब शर्ट के साथ लगा के दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने इसको शर्ट के साथ लगा लिया, ये कितना डिसेंट लग रहा है डिज़ाइन बन के। तो यहाँ पे हमने इसके बॉर्डर को जो है वो अलग तरीके से यूज़ किया है, तो जब बन के हमारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है।